Hello friends, and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. Today I am going to discuss about where inside the shell. तो ये हमारा question mark है. तो friends, हम लोग आज ये देखेंगे कि हमारी जो cell है, हमारी cell के कौन से cell organelle में कौन सा process occur होता है, कौन सा process चलता है. हमारे जितने भी biological domain के competitive exam हैं, उन सभी exams में हमारी सेल के जो सेल ऑर्गेनेल हैं और उन सेल ऑर्गेनेल के अंदर कौन कौन से पाथवेज रन हो रहे हैं, कौन कौन से मेटाबॉलिक जो एक तरह से प्रोसेस हैं वो रन हो रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उन सभी क्वेश्चंस को वहाँ पे स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक तरह से छोटी छोटी बातें होती हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आप लोगों को कभी भी इन सभी बातों को, इन सभी पॉइंट्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. और ये वीडियो जो है इन सभी पॉइंट्स को आप लोगों को यहाँ पे रिवाइज करा देगी, आप सभी को इन सभी पॉइंट्स को कवर करा देगी. इस वीडियो को आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, क्योंकि जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनल हैं और जो हमारे सेल ऑर्गेनल हैं, हमारे कौन से सेल ऑर्गेनल में हमारा कौन सा फंक्शन या कौन सा प्रोसेस अकर होता है, यही आज हम इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो ये पूरा आप लोगों को ये वीडियो कन्फर्म करा देगी, ये वीडियो आप लोगों को रिवाइज करा देगी कि कौन सा हमारा मेटाबॉलिक पाथवे या कौन सा फंक्शन हमारे कौन से सेल ऑर्गेनल में अकर होता है, कहां पे होता है, कैसे होता है. तो आप लोगों को ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखनी है. हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारा कौन सा सेल ऑर्गेनेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जिसको हम लोग इन शॉर्ट ईआर बोलते हैं. जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये हमारी टू टाइप की होती है, एक हमारी आरईआर और एक हमारी एसईआर. यानी एक होती है हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस ऑन सरफेस ऑफ आरईआर, यानी आरईआर पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है. और जो हमारे राइबोसोम होते हैं वो एक तरह के प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी हम उनको बोलते हैं. तो जो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हमारे जो राइबोसोम होते हैं वो बाइंड हो जाते हैं और प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं. तो ये फंक्शन है हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. नेक्स्ट फॉस्फोलिपिड बायोसिंथेसिस जो है हमारी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे ये हमारा प्रोसेस अकर होता है. लिपिड बायोसिंथेसिस जो होती है वो हमारी एससीआर पे होती है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होती है. कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस जो है ये हमारी कॉम्प्लीटेशन है एक तरह से. नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोलस की. ठीक है, हमारा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा एक और सेल ऑर्गेनल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस. ठीक है, न्यूक्लियोलस जो है इसमें सिंथेसिस होती है आरएनए की. ठीक है, आरएनए की होती है, यानी राइबोसोमल जो हमारा आरएनए होता है उसकी सिंथेसिस हमारी न्यूक्लियोलस में ही होती है, जो हमारा एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है. और ये हमारे न्यूक्लियस का ही एक पार्ट होता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में. नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट जो है ये है न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस में जो है हमारा डीएनए रिप्लिकेशन मैकेनिज्म अकर होता है, आप लोग जानते हैं. सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए एंड टीआरएनए बोथ हमारा न्यूक्लियस में ही होती है. नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, सिंथेसिस ऑफ सम न्यूक्लियर प्रोटीन्स, जो हमारी कुछ न्यूक्लियर प्रोटीन्स होती हैं उनकी सिंथेसिस भी हमारे न्यूक्लियस में ही होती है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लाइसोसोम्स की. लाइसोसोम्स जो है ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल है. तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है हाइड्रोलिटिक प्रोटियोलिसिस में हमारा होता है और एंटीजन प्रोसेसिंग भी हमारी यहीं पे होती है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गोल्जी बॉडीज. गोल्जी बॉडीज के बारे में देखते हैं, गोल्जी बॉडीज का क्या फंक्शन है, क्या यहाँ पे हमारे जो प्रोसेस हैं वो कर होते हैं. तो गोल्जी बॉडीज में फोल्डिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन हमारा होता है फर्स्ट, हमारा सेकंड मिसफोल्ड प्रोटीन रिस्पॉन्स यहीं पे जनरेट होता है. पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हमारा हमारी गोल्जी बॉडीज में ही होता है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं माइक्रोबॉडीज. माइक्रोबॉडीज जो है हमारा ये भी एक सेल ऑर्गेनल है. तो माइक्रोबॉडीज का जो फर्स्ट एक प्रोसेस है जो यहाँ पे अकर हो रहा है वो होता है स्टेरॉल डिग्रेडेशन. स्टेरॉल डिग्रेडेशन हमारा यहीं पे होता है. ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स ये हमारा यहीं अकर होता है प्रोसेस. और फ्री रेडिकल मेटाबॉलिज्म जो हमारा होता है वो हमारी माइक्रोबॉडीज में ही होता है. और H2O2 सिंथेसिस भी हमारी यहीं पे होती है. जो हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है H2O2 उसकी सिंथेसिस यहीं पे होती है. फैटी एसिड टू कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस ये हमारी नहीं होती है हमारी माइक्रोबॉडीज में, बट जो हमारा ग्लाइओक्सिलेट साइकिल है ये प्लांट्स एंड मोल्ड्स में हमारा ये फंक्शन अकर होता है, ये प्रोसेस अकर होता है, जो फैटी एसिड्स टू कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस हमारी होती है। तो ये आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो हमारा होता है प्लांट सेल में होता है, ठीक है, और कुछ हमारे बैक्टीरियाज में भी होता है। तो इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो हमारा एक सेल ऑर्गेनेल है इसमें हमारा फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म अकर होता है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म हमारा यहीं पे होता है, और टर्पेनॉइड बायोसिंथेसिस हमारी क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जो हमारी ह्यूमन सेल होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट का कोई रोल नहीं है, तो वहाँ पे उसमें उसके ह्यूमन सेल के केस में आप लोगों को इस पॉइंट को स्किप करना है। नेक्स्ट पॉइंट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, और इसमें जो है हमारा 10% हमारा हमारे जो लिक्विड्स होते हैं, हमारे बायो लिक्विड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और 90% जो है हमारा वाटर इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं। ग्लाइकोलिसिस हमारा यहीं पर रन होता है, फैटी एसिड बायोसिंथेसिस हमारी यहीं पर होती है, न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस हमारी यहीं पर होती है, प्यूरीन और पाइरिमिडीन के केस में पेंटोज फॉस्फेट पाथवे हमारा यहीं रन होता है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड, ठीक है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड की जो सिंथेसिस होती है वो हमारी यहीं पर होती है हमारे साइटोप्लाज्म में, और ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलिसिस हमारा यहीं पे होता है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलिसिस टू डिफरेंट मैकेनिज्म है, ये दोनों हमारे यहीं पे हमारे साइटोप्लाज्म में अकर होते हैं। आप लोगों को ये सभी पॉइंट्स जो हैं अच्छे से अपनी नोटबुक में कहीं पे मेंशन करने हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो हमारा नीट हो, हमारा CSIR नेट एग्जाम हो, लाइफ साइंस स्ट्रीम से हमारा DBTGRF हो, हमारा ICAR हो, ICMR हो, गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम हो, हमारा गेट लाइफ साइंस एग्जाम हो, या हमारा IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम हो, या फिर हमारा JNU CEE बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम हो, तो सभी में पूछा जाते हैं हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस। अब हम लोग बात करते हैं अपने एक और यहाँ पे पॉइंट की, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया का क्या मतलब है कि कुछ हमारे प्रोसेस, कुछ मैकेनिज्म हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे आधे साइटोप्लाज्म में होते हैं अकर और आधे माइटोकॉन्ड्रिया में, तो यहाँ पे हमने उनको मेंशन किया। यूरिया साइकिल जो है हमारा आधा साइटोप्लाज्म में ऑपरेट होता है, आधा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। जो हमारा ग्लाइकोनियोजेनेसिस है एक मैकेनिज्म, एक प्रोसेस, ये हमारा आधा साइटोप्लाज्म में अकर होता है और आधा हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। नेक्स्ट अमाइनो एसिड्स बायोसिंथेसिस, ठीक है, नॉन एरोमेटिक के केस में अगर हम बात करें तो ये हमारी आधी साइटोप्लाज्म में होती है, आधी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कुछ स्टेप इसके साइटोप्लाज्म में होते हैं, कुछ स्टेप इस हमारे प्रोसेस के एक तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। टर्पेनॉइड बायोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ठीक है, टर्पेनॉइड बायोसिंथेसिस जो हमारी प्लांट्स में होती है वो आधी हमारी साइटोप्लाज्म में होती है और आधी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक तरह का हमारा सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है, और क्लोरोप्लास्ट भी हमारा एक तरह का सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के केस में, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से हमारे प्रोसेस अकर होते हैं, तो फर्स्ट हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल यहीं पे रन होता है, अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म हमारा यहीं पे रन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड हमारा यहीं पे होता है, ETS सिस्टम यानी हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें हमारे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं, और यहाँ पे हमारी ATP की सिंथेसिस होती है, ये मैकेनिज्म भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में ऑपरेट होता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, और इसको हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। कीटोन बॉडीज बायोसिंथेसिस हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। तो ये हमारे कुछ यहाँ पे सेल ऑर्गेनल थे, और हमारे सेल ऑर्गेनल के साथ में हमारा कौन सा प्रोसेस, कौन सा मैकेनिज्म जुड़ा है जो हमारे उस पर्टिकुलर एक सेल ऑर्गेनल में अकर होता है, ये मैंने आप लोगों के साथ में इस वीडियो में डिस्कस किया। सभी कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों को क्लियर करना है, कोई भी कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, और इस वीडियो से रिलेटेड आपका अगर कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और इस वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के जो सभी
पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बना के इस वीडियो को देखना है, इस वीडियो को अंडरस्टैंड करना है, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है, तो उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना न भूलें। मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में भी आप लोगों को ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप लोगों को इस जो हमारे नोट्स हैं, अगर आप लोगों को वो नोट्स चाहिए या आप लोगों को उनकी रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग अपनी मेल आईडी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। मैं आपकी मेल आईडी पे सॉफ्ट कॉपीज इन सभी नोट्स की सेंड कर दूंगा, जिससे आप लोग अच्छे से स्टडी कर पाएँ और अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अच्छी रैंक आप लोग अचीव कर पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।